और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के संस्थापक अमित जोगी लोरम विधानसभा पहुंचे, जहां वे बाइक रैली में शामिल हुए और मानस मंच सभा स्थल पर पहुंचे। अमित जोगी ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने दोनों पार्टियों पर जनता को छलने का आरोप लगाया। इसके साथ ही लोरमी क्षेत्र के 45 बिंदुओं के समस्याओं को लेकर कलेक्टर के नाम अनुविभागीय अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपा है, जहां पुलिस कर्मियों के साथ कार्यकर्ताओं की झूमाझट की देखने को मिली। विभिन्न मांगों को लेके माननीय कलेक्टर महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से बहुत सारी मांगें हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कुड़िया में विस्थापित लोग हैं उनको पट्टा और मुआवजा के संबंध में समस्या बताई गई है, और साथ ही बहुत सारे गांव में यहां पे ट्रांसफार्मर की समस्या है, उसको मुख्य रूप से इंगित किया गया है कि इनकी समस्याओं का जल्दी निराकरण किया जावे करके। तो छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की जो मांग है उनको ऊपर स्तर पे मेरे द्वारा पहुंचाया जाएगा, अवगत कराया जाएगा, नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। 15 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा का शासन देख लिया, रमन की दमन सरकार देख ली, 5 साल उन्होंने कांग्रेस का शासन, भूपेश की ठगेश सरकार देख ली, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों दलों के लिए छत्तीसगढ़ की जनता कोई मायने नहीं रखती है, यहाँ की केवल धरती को देखते हैं, यहाँ के अपार संसाधनों को देखते हैं और अपनी पार्टी का वो ATM का काम करते हैं।